नमस्कार, द न्यूज की प्राइम टाइम बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। आज की खबरों की तरफ रुक करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह समारोह में शामिल हुए सीएम भूपेश। 3,229 जोड़ों की शादी से स्थापित हुआ प्रदेश का वर्ल्ड रिकॉर्ड। एकात्म परिसर में भाजपा किसान मोर्चा की हुई अहम बैठक। किसानों से जुड़े मुद्दे पर सरकार को घेरने की बनी रणनीति। नारायणपुर में अबूझमाड़ पीस ऑफ मैराथन 2021 का आयोजन। लगभग 12,000 धावकों संग आईजी और सांसद ने लगाई दौड़। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री निर्धन कन्या विवाह योजना के तहत रायपुर के इंदौर स्टेडियम में तीनों धर्मों का संगम देखने को मिला। शादी के मंडप में मंत्रोच्चार, कुरान की आयत और बाइबल का पाठ एक साथ गूंजता रहा। सामूहिक शादी समारोह में इष्ट देवों के साथ अल्लाह का नाम और प्रभु यीशु का गुणगान किया गया। मुख्यमंत्री निर्धन कन्या विवाह योजना के तहत रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में लगभग 240 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। वहीं प्रदेश के 22 जिलों में एक साथ 3,300 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। रायपुर में तीन जोड़े ईसाई समाज और मुस्लिम जोड़े का निकाह कराया गया। हिंदू जोड़ों को गायत्री परिवार के विद्वानों ने मंत्रोच्चार के साथ फेरे करवाए। वहीं एक वेदी में चार जोड़ों को बिठाकर विवाह कराया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जोड़ों को आशीर्वाद देने दोपहर को शादी स्थल पर पहुंचे। सीएम बघेल ने विवाहित जोड़ों को उनकी वेदी के समक्ष जाकर आशीर्वाद भी दिया। मुख्यमंत्री ने कुछ जोड़ों को वैवाहिक प्रमाण पत्र भी दिया। उन्होंने रायपुर के मंच से अन्य जिलों में हो रहे सामूहिक विवाह में शामिल लोगों से भी ऑनलाइन रूबरू हुए। मुख्यमंत्री ने खास तौर पर दूल्हों से कहा कि मैं आपसे सुपोषण का वचन ले रहा हूं कि आप अपने पत्नी और पूरे परिवार के पोषण पर ध्यान देंगे। जब महिलाएं सुपोषित होंगी तो बच्चे भी सुपोषित होंगे और हम कुपोषण की समस्या को जड़ से मिटा सकेंगे। इसी के साथ छत्तीसगढ़ भी मजबूत होगा। आज रायपुर में और उसके साथ साथ प्रदेश के 6 स्थानों पर सामूहिक विवाह का आयोजन शासन की ओर से किया गया, महिला बाल विकास विभाग के द्वारा किया गया। इसके लिए मंत्री जी को और विभागीय अधिकारियों को और जिले में जो पदस्थ अधिकारी हैं उनको भी बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही पुनीत कार्य किया है। उन वर वधुओं को और उनके माता पिता को भी बधाई देता हूँ। साथ ही शासन की ओर से प्रत्येक जोड़े को 25,000 रुपये की राशि देने का फैसला किया गया। पहले केवल 15,000 दिया जाता था, 25,000 रुपया सभी जोड़े को दिया जाएगा और इसमें लगभग 2376 जोड़ों ने आज नए जीवन में प्रवेश करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ मंत्री अनिला भेंडिया, साथ ही महापौर एजाज जेबर और कुलदीप जुनेजा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मंत्री अनिल भेंडिया ने कहा कि लोगों को भ्रम था कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बंद हो गई, लेकिन कोरोना की वजह से पिछली बार आयोजन नहीं किया गया था। इस बार कोरोना का कहर कम होने की वजह से विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छा आयोजन था। पूरे छत्तीसगढ़ में आज 2376 जोड़ों की शादी हुई है और इसमें हमारे छत्तीसगढ़ की जनता भी अति उत्साह से बहुत अच्छा से भाग लिए हैं। जो आज आर्थिक तंगी, आर्थिक मंदी की दौर चल रही है, अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है, इस सब को देखते हुए बहुत सीमित खर्च में शासन की योजना में यहाँ के छत्तीसगढ़ के हमारे मध्यम वर्ग के लोग जो अर्थव्यवस्था से कमज़ोर हैं, ऐसे लोग इन शादी में भाग लेकर अपने बच्चों की जो शादी कराई और इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री और इतने जनप्रतिनिधि और वर्चुअल जो प्रदेश भर में सभी को आशीर्वाद मिला, ये भी बहुत अच्छी बात है। और इस तरह के मुझे लगता है कोई प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में शादी अभी तक नहीं कराए होंगे। कोरोना महामारी के दौर लगभग 11 माह तक राजधानी में एक भी भव्य सरकारी आयोजन नहीं हुआ। साल 2020-21 के वित्तीय वर्ष में पहला भव्य सामूहिक विवाह का आयोजन इंडोर स्टेडियम परिसर में हुआ। जिला के परियोजना अधिकारी के अनुसार शासन के नियमों के तहत एक जोड़े पर 25,000 रुपये का खर्च का प्रावधान है। इस खर्च में शादी के होने वाली तैयारियों के अलावा जोड़ों को उपहार में दी जाने वाली सामग्री भी शामिल है। द न्यूज के लिए कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, रायपुर।
दिन ब दिन बढ़ते शादी में होने वाले फिजूल खर्चों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सामूहिक विवाह के लिए योजना बनाई है। इसी के तहत मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में जगदलपुर में एक साथ 75 जोड़ियों की शादी हुई, जिसमें ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम भूपेश बघेल और विभागीय मंत्री अनिला भेड़िया भी शामिल हुई और नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। शहर के इंदिरा स्टेडियम में पूरे विधि विधान से शहरी व ग्रामीण जोड़ों की शादी धूमधाम से हुई। उनमें 65 हिंदू तो 10 क्रिश्चियन जोड़े हैं। हर जोड़े पर सरकार ने 25,000 खर्च किए हैं, जिसमें 19,000 का सामान, 1,000 नगद और बाकी शादी में होने वाली व्यवस्था पर खर्च शामिल है। कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार जिला स्तरीय सामूहिक विवाह को ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया गया। आंगनबाड़ी है, मीडिया के साथी है, हमारे जो विवाह में बनने जा रहे दूल्हा दुल्हन है, इनके परिवार है, सबके बीच एक खर्च का विषय है और अच्छा खुशी महसूस हुआ। एक साथ हमारा सौभाग्य है कि 75 जोड़ों का शादी में शामिल होना भी अपने आप में बड़ी। जैसा कि आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह किया जा रहा है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल के बाद ये क्षण आया है, क्योंकि पिछले वर्ष ये विवाह नहीं हो पाया था। तो आज बहुत सी ऐसी कन्याएं हैं जिनके माता पिता सक्षम नहीं है कि वो अपने बेटियों का कन्यादान कर पाए, तो बहुत सौभाग्य की बात है कि आज वो अपने पूरे 75 बेटियों की स्वागत यहाँ कन्यादान किया जा रहा है। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रदेश भर में आज माघी पुन्नी के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ। प्रदेश के 22 जिलों में यह आयोजन एक साथ किया गया, जिसमें 3300 से अधिक जोड़े एक साथ परिणय सूत्र में बंधे। वहीं राजधानी रायपुर में 240 जोड़ों की शादी संपन्न कराई गई। शादी के लिए तमाम व्यवस्थाएं छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया समेत सरकार के कई प्रतिनिधि मंच पर मौजूद थे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इन जोड़ों को 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई है। वहीं गद्दे, तकिए, अलमारी, बर्तन और सोने चांदी के आभूषण भी सरकार द्वारा प्रदान किए गए हैं। वहीं परिणय सूत्र में बंधने के बाद सभी जोड़ियों के चेहरे खिल उठे। सभी ने सरकार की इस योजना की खूब प्रशंसा की और मदद के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धन्यवाद भी किया। वो एक्चुअली इनकी सहेली को वो मंगे है, तो वही बताए कि मेरी वाइफ की एक सहेली है भाई, तो आप यदि उनको देखने जाओगे तो रिश्ता आगे बढ़ जाएगी, तो अच्छी बात है ऐसे करके। तो वहीं से एक शुरुआत हुई, फिर मम्मी पापा को बताया, फिर जीजा दीदी को, फिर सब लोग देखे, पसंद किए और एक बेटर जीवन साथी करके डन किए। शासन के द्वारा ये अपना जो आदर्श विवाह है ये संपन्न कराया गया, क्योंकि एक जो नोनी सुरक्षा योजना के तहत हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो है आदर्श विवाह का उसको संचालित किए हैं, इसमें जो गरीब परिवार है उनको काफ़ी सहायता प्रदान किए गए। जैसे बताया है ना, वैसे टाइप का है कि हम दोनों फ्रेंड हैं, हम लोग भी दोनों और एक दोनों भी फ्रेंड है, तो बोले कैसा है ऐसे करके पूछे, तो हम लोग मम्मी पापा बोले हैं कि चलो देखने चलते हैं ऐसे करके ना, फिर देखे तो हो गया ठीक, सब जन बोले क्यों ठीक है करके। अभी तो उसका पता नहीं, बस ये जोड़े वगैरह का सब है पता, और क्या क्या देंगे वो तो पता नहीं ठीक से। बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार को, गरीब परिवार भी सब विवाह कर रहे हैं इसके माध्यम से। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को जो ऐसी योजना बनाए हम गरीब लड़की के लिए। तो आंगनबाड़ी मैडम लोग हम लोग का साथ दिया, यहाँ तक हम लोगों का हेल्प किए। बहुत बहुत धन्यवाद आंगनबाड़ी मैडम वालों को जो हम लोग का हेल्प किए, यहाँ तक लाए, गरीब लड़की लोगों की मदद की हम लोगों का। हम तो सबसे मतलब सब योजना है जैसे भी है गरीब द्वारा, मतलब कि अगर हम लोग अपने हिसाब से कर्जे घर में तो काफ़ी कर्जा वर्जा लेना पड़ता है हम लोगों को, तो यहाँ तो बहुत अच्छी तरीके हो गया है। भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश किसान मोर्चा की पहली कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में मोर्चा के आगे की रणनीति पर चर्चा हुई, जिसमें भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ किसान भी मौजूद रहे। चर्चा की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने की। उन्होंने किसानों की कर्ज माफी, धान खरीदी में हुई अव्यवस्था और बोनस की राशि नहीं मिलने के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तैयार की। मीडिया से चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। उनका कहना है कि प्रदेश में किसानों को उनका हक दिलाने के लिए भाजपा किसान मोर्चा की जिम्मेदारी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों की चौथी किस्त बाकी है, प्रदेश सरकार किसानों से किए वादे पूरे नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किसानों के हित के लिए काम किया है। किसान मोर्चा के गठन होने के बाद भाजपा किसानों के साथ वादा खिलाफी और अन्याय नहीं होने देगी।
जी, किसान मोर्चा के गठन होने के पश्चात में ये प्रथम कार्य समिति है और बड़े जोश और उत्साह के साथ में कार्यकर्ता इस कार्य समिति का आयोजन किए हैं। वास्तविक में जो छत्तीसगढ़ का प्रदेश है, वो किसानों का प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस दिशा में किसानों के लिए काम की है और हमारे मोर्चा न केवल यहाँ बल्कि पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता आए हुए हैं। किसानों की क्या स्थिति है, अभी विधानसभा में जो बातें आई हैं और आने वाले समय में इस कार्य समिति के माध्यम से बातचीत होगी और बातचीत के बाद में अभी किसानों का दो बड़े आंदोलन हुए हैं, दोनों सफल आंदोलन हुए हैं। आगे आगामी कार्य योजना कार्य समिति अभी बैठेगी और कार्य समिति बैठ करके आगामी कार्य योजना भी बनाएगी कि किसानों के हित में और क्या किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में माघ मास की पूर्णिमा पर शनिवार सुबह से धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। प्रदेश में राजिम के अलावा धमतरी, रत्नपुर और शिवरी नारायण में भी मेला लगेगा। शिवरी नारायण में पूर्णिमा स्नान के साथ मेले का शुभारंभ हो चुका है। तड़के सुबह 3 बजे महामंडलेश्वर के पद से विभूषित महंत राम सुंदर दास महाराज अपने सहयोगियों के साथ महानदी के बाबा घाट पहुंचे। यहां उन्होंने गंगा स्नान के बाद दीप दान कर भगवान शिवरी नारायण के दरबार में उपस्थित हुए। यहां उन्होंने मंदिर का पट खोला और भगवान की भव्य मंगल आरती की। इसके बाद से मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए सुचारू रूप से शुरू हुआ। इसके बाद महंत राम सुंदर दास महाराज मठ मंदिर में पहुंचे। यहां उन्होंने पुजारियों के साथ भगवान जगदीश की आरती की और भक्त जनों को तुलसी प्रसाद वितरण किया। माघ पूर्णिमा के अवसर पर शिवरी नारायण सहित आस पास के गाँव में भजन कीर्तन का कार्यक्रम चला। जगह जगह पर श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई थी। दर्शकों और श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो, प्रशासन ने इसका विशेष ध्यान रखा है। महाराष्ट्र में फैले कोरोना के दूसरे स्ट्रेन ने देश भर को चिंता में डाल दिया है। कई राज्यों ने महाराष्ट्र से आवागमन पर रोक भी लगा दी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का बड़ा हिस्सा भी महाराष्ट्र से लगा हुआ है। ऐसे में प्रदेश सरकार की चिंता भी जायज है। इसके परिणाम स्वरूप मुख्यमंत्री ने प्रदेश में मास्क अनिवार्य कर दिया है, जिसका समर्थन जनता से भी मिल रहा है। महाराष्ट्र के कोरोना हॉटस्पॉट होने के बावजूद छत्तीसगढ़ प्रदेश में अब भी वहां से आवागमन संचालित है। प्रदेश सरकार ने फिर एक बार मास्क अनिवार्य कर दिया है और न पहनने वालों पर 100 रुपए की चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। रायपुर नगर निगम के अपर आयुक्त पुलक भट्टाचार्य ने बताया कि गाइडलाइन के तहत एयरपोर्ट पर कोरोना चेकिंग की जा रही है, कहीं भी गड़बड़ी होने पर उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है। गाइडलाइंस में सबसे जरूरी मास्क है, इसे अनिवार्य करने के बाद शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर चेकिंग अभियान जारी किया है ताकि लोग मास्क को लेकर जागरूक हो और अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। फिर ये बिल्कुल सही है कि कोरोना के केसेस फिर बढ़ रहे हैं और पूरे भारत में ये फिर से थोड़ा केसेस संख्या बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में नई एडवाइजरी जारी की गई है। उस एडवाइजरी के तहत एयरपोर्ट में जो अन्य शहरों से लोग आ रहे हैं उनका टेस्ट रैंडम उनका टेस्ट किया जा रहा है। वहाँ पर टेम्परेचर टेस्ट हो रहा है, ऑक्सीमीटर से चेक कर रहे हैं और अगर कहीं पर भी कुछ गड़बड़ी मिलती है तो उनको क्वारंटाइन करने के लिए भेजा जा रहा है। साथ साथ जो प्रिकॉशनरी मेज़र हैं, जो जिनमें मास्क सबसे जरूरी है, वो मास्क की कार्रवाई कल से फिर शुरू कर दी गई है। प्रदेश सरकार के मास्क अनिवार्य करने के बाद लोगों का अच्छा रिस्पांस भी दिखाई दे रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता ममता शर्मा का कहना है कि पूरी तैयारी के बाद सरकार को फैसला लेना चाहिए। उन्होंने सरकार के स्कूल खोलने के फैसले को गलत बताया। ममता शर्मा ने कहा कि सरकार की गलतियों का खामियाजा स्कूली बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने रेल और एयरपोर्ट पर आवागमन सुचारू रूप से शुरू होने से कोरोना न फैलने, इसके लिए सरकार से तमाम व्यवस्थाएं करने की भी बात कही है। तो बहुत सारी खामियां निकली जिसकी वजह से विस्फोटक आज कहीं ना कहीं बहुत बहुत सारे बच्चों की संख्या निकल के आ रही, टीचर की संख्या निकल के आ रही है। इवन विभागीय निगम कार्यालय में भी इस तरह की शिकायत आई कि कर्मचारी जो है वो प्रभावित हैं। तो आप जब तक अपनी चीज़ों की तैयारी खुद नहीं करेंगे, उसकी प्लानिंग नहीं करेंगे, उसकी मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हम कोरोना से जो बचाव है उसके लिए सही प्रयास कर सक रहे हैं। क्योंकि एक बात यहाँ पर और भी है, हमने बहुत सारी बातें ऐसे की कि सोशल डिस्टेंसिंग, ये वो, मास्क, लेकिन जितनी राजनीतिक रैलियाँ हो रही हैं, आप किसी भी नेता के मुंह में देखेंगे मास्क ऐसा रहता है,
ये किस लिए है? आप जब खुद नियम फॉलो नहीं कर सकते तो आप किसी जनता पे पेनाल्टी कैसे लगाएंगे? तो पहले जितने जिम्मेदाराना लोग हैं वो खुद इसको फॉलो करें, खुद उस चीज़ को वो पब्लिकली दिखाएं कि हम ये कर रहे हैं, इसलिए आप भी कीजिए। आम जनता की सोच सामाजिक कार्यकर्ता ममता शर्मा से थोड़ी अलग है। उनका मानना है कि इस कार्यवाही से लोगों में सीख लाएगी। कामकाजी महिला सरिता वैष्णव ने सरकार के निर्णय को सही बताया और कहा कि कार्रवाई होने से ही लोग नियमों का पालन करना सीखेंगे। उन्होंने कहा कि कार्रवाई के साथ साथ शासन को भी मास्क बांटने चाहिए। जी हाँ, फाइन ले रहा है वो तो चलिए, मास्क के लिए तो लोगों को जागरूक कर रहे हो, पर उनको मास्क जैसे नहीं है, नहीं लगाए हैं तो तत्काल में उन्हें एक रुमाल या फिर गमछा स्कार्फ जो भी रखते हैं उससे उन्हें मुंह ढकने की कोशिश करनी चाहिए ताकि एक दूसरे तक प्रदूषित वायु ना जाए। और जैसे सब्जी बेचने वाले हैं, ठेले में जो चाट गुपचुप लगे रहते हैं और भी रहते हैं जो रोजगार कर रहे हैं छोटे छोटे रोजी रोटी वाले, उनको मास्क लेने की सुध नहीं रहती, लेते भी नहीं है। इसलिए जो मास्क वितरण अपन पहले कर रहे थे जो फरवरी मार्च में लॉकडाउन था काफ़ी तेज़ी से, उस तरीके से अभी भी हमें करना चाहिए। तो ये आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है निर्णय, लेकिन इस बात को चार्ज करते समय अधिकारी या जो भी कर्मचारी इस बात का ध्यान रखें कि गरीब लोग भी जिनके पास मास्क के लिए भी पैसे नहीं रहते हैं, तो सरकार अपनी तरफ से भी ऐसे गरीबों को मास्क वितरण लगातार करवाएं जो पहले भी करवाया गया है। तो अभी भी आप गरीबों तक ये मास्क ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचाएँ। अगर वो किसी कारणवश नहीं खरीद पाता है, उसके पास कुछ नहीं है, तो वो इस तरीके से एक रुमाल बांध के निकल सकता है अगर मास्क नहीं है तो। और अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तो सरकार की तरफ से मैं निवेदन करती हूँ कि अधिकारी कर्मचारी शासन प्रशासन के लोग इस बात को ध्यान दें। सर, जैसे अभी कोरोना के नाम से बहुत सारा बीमारी जो फैले हुए थे, कोरोना के कारण पूरे भारत देश जो है लोग इतने तकलीफ में थे कि उनका घर से निकलना मुश्किल हो गया था, तो ये दिनों दिन बढ़ते जा रही थी, कब बढ़ते जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि कोरोना का जो बीमारी है उनका जो दवाई भी है धीरे धीरे आते जा रहे हैं, तो उसका बचना हमको मुश्किल हो रहा है। तो अगर कोई सरकार अगर फाइन भी ले रहे कोरोना के नाम से तो उनको मास्क भी देना चाहिए और फाइन देना चाहिए, और उसको बताना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम अगर आप आएंगे तो बिना मास्क के तो आपको बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा। तो इसमें जो है लोग शक्ति बरतेंगे और मास्क अनिवार्य रूप से धारण कर लेंगे। क्या होता है कि एक जगह पकड़ लेते दोबारा उनके ऊपर फाइन ले लेते तो लोग मजाक में ले लेते। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ी जा रही वैश्विक जंग में मास्क की भूमिका अहम है। प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के हर हिस्से में कोरोना समेत अन्य बीमारियों से सुरक्षा के लिए मास्क के इस्तेमाल पर जोर भी दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भले ही संक्रमण कम हुआ है, लेकिन यह सिलसिला जब तक नहीं थम जाता तब तक लोगों को गाइडलाइंस का पालन करना होगा। द न्यूज के लिए कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, रायपुर। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द लौटेंगे। चल साथ चले हम, हर कदम शुभ कदम, प्यारे प्यारे बचपन में खेले कूदे आंगन में, स्कूल की प्रेयर, कॉलेज का डेयर, जिंदगी में नौकरी, एक नई जिंदगी चलना ही है इस जीवन में। हर कदम में आपका हम सफर शुभ कदम। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। अबूझमाड़ में अब राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर से खेल कूदों का आयोजन होने लगा है। नारायणपुर जिले में तीसरी बार अबूझमाड़ पीस ऑफ मैराथन 2021 का आयोजन किया गया। सुबह 5:30 बजे बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खेल मैदान में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें 11,797 धावकों ने क्षेत्र में शांति का संदेश देने दौड़ लगाई, जिसमें बस्तर सांसद दीपक बैज, बस्तर IGP सुंदरराज और हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष विधायक चंदन कश्यप भी मौजूद रहे। आयोजन को लेकर नगर के मुख्य मार्गों के अलावा मैराथन वाले रास्तों को भी सजाया गया था। कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने अबूझमाड़ पीस ऑफ मैराथन में जिले वासियों से अधिक संख्या में भाग लेकर जिले का गौरव बढ़ाने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि अबूझमाड़ पीस ऑफ मैराथन का मुख्य उद्देश्य अबूझमाड़ में शांति का संदेश देने और देश विदेश से आने वाले धावकों को यहाँ की आदिम संस्कृति से रूबरू कराना है।
इसके साथ ही अबूझ मांड के आदिवासियों की संस्कृति को नजदीक से देखने समझने का अवसर प्रदान करना है। आपको बता दें कि राज्य और राज्य के बाहर से आने वाले धावकों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए मुख्य स्थानों पर कंट्रोल रूम बनाए गए थे, जहां धावकों के रहने और खाने की व्यवस्था की गई थी। ना सिर्फ अबूझ मांड के नारायणपुर के बल्कि पूरा बस्तर क्षेत्र के, पूरा छत्तीसगढ़ राज्य के और बाहर प्रदेश से भी और विदेश से भी लोग आकर पार्टिसिपेट किया। काफ़ी उत्साह से महिला, बच्चे, बुजुर्ग सब लोग इस दौड़ में पार्टिसिपेट किया और 21 किलोमीटर दौड़ने के पश्चात आज सबको जो इधर के क्षेत्रीय जो हमारा आदिवासी भाइयों बहनों से हाथों सुनकर सबको सम्मानित किए गए थे। ये गौरव का विषय है और इस क्षेत्र में एक नया पहचान दिलाने के लिए हमेशा अबूझ मांड और नारायणपुर बस्तर इलाका दूसरा कारण के लिए जाना जाते हैं, लेकिन विगत 2-3 वर्षों में से जिस तरीके से सुरक्षा बल, शासन प्रशासन जो कार्य किया और स्थानीय जनता का सहयोग मिला, इसी कारण से हम अबूझ मांड के एक नया पहचान दिलाने में हम सफल हुआ। इसी पहचान को आगे ले जाने के लिए आज ये तीसरी जो सफल आयोजन हुआ, हम इस आयोजन को जितना भी हमारा शहीद जवान है इस क्षेत्र में शांति, विकास और सुरक्षा के लिए अपना जान के बलिदान दिया, उसी सभी शहीद जवान को और उनके परिजन को और क्षेत्रीय नागरिक है जो हिम्मत से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और जितना भी जो हमारा सहयोगी है सबको हम समर्पित करते हैं। मैं अभी इसे रहने वाला श्रीलंका हूँ, मेघालय श्रीलंका। क्या पहली बार बस्तर आए हैं, कैसा लग रहा है? हाँ, यहाँ पे पहली बार आया है सर, मैं बहुत खुश हूँ। देख के पहले जो सोच के आया था उस हिसाब से बहुत बढ़िया लगा सर। बस्तर के बारे में जब आप सुनते होंगे तो हमेशा नक्सलवाद की बात आती है, यहाँ आने के बाद कोई डर लगा मन में? नहीं नहीं नहीं, जब मैं शुरू में लगा था बहुत डेंजर होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है बहुत पीस लग रहा है मेरे को। यहाँ आने के बाद इतना डरने के बाद नहीं, बहुत पीस लग रहा है। आप इंडियन आर्मी से हैं जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे बस्तर के युवाओं को? मैं बोलना चाहता हूँ कि जिस जो अभी पीस है कोई डरने की बात नहीं है, अपना अपना काम करते रहो, अपना ट्रेनिंग करते रहो बस। कितने साल से आप इंडियन आर्मी में? अभी 10 साल से। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने अपने निवास स्थान से वन मंडल के अधिकारियों की वर्चुअल बैठक ली। बैठक में पर्यावरण संरक्षण मंडल के कार्यों की समीक्षा हुई। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण मंडल तत्परता के साथ कार्य कर रही है। पर्यावरण प्रदूषण रोकने और नदियों में प्रदूषित जल बहाने वाले कंपनियों के खिलाफ आने वाले समय में बड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि एक कंपनी द्वारा नदी में प्रदूषित पानी को बहाने का मामला सामने आया था, जिसमें सरकार ने कार्यवाही भी की है। पर्यावरण संरक्षण मंडल ने वायु जल प्रदूषण फैलाने वाले दर्जनों कंपनियों पर कार्यवाही की है। पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि नगर निकाय की तरफ से शिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है, जिसकी समीक्षा की गई। उद्योगों का पानी अब नदी नालों पर नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा कि नदी का पानी कंपनियों के पास पहुंचने से पहले घरों तक पहुंचेगा। कंपनियों के खिलाफ यदि प्रदूषण की शिकायत मिलती है तो निश्चित ही उन पर कार्यवाही की जाएगी। देखो, पर्यावरण संरक्षण के मामले में जो पूरे राज्य के लोगों को बुलाया गया है और 2-3 विषय इसमें हैं। एक तो जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, बीच में आपने देखा होगा कि कुछ इस प्रकार की बात आई थी कि औद्योगिक इकाइयों की का जो जल है वो नदी नालों में जाता है, जिससे प्रदूषण, पानी प्रदूषित होता है। उसके बारे में पूरी जाँच हो चुकी है। जाँच के बाद ये भी कहा गया कि भाई कोई भी नदी नाला जिसमें किसी भी औद्योगिक इकाई का जल जाता हो तो वो हमारी जानकारी में लाया जाए। एक भी अब तक सामने नहीं आया। उसका कारण ये है कि उद्योगों से जो पानी निकलता है उसको रिसाइकिल करने की व्यवस्था कंपलसरी है, तो रिसाइकिल होने के कारण उद्योगों का पानी अब नदी नालों में नहीं जा रहा है, एक बात। दूसरा ये कि जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ये नगरी निकाय की तरफ से बनता है, जो रायपुर में भी बन रहा है और सभी बड़े शहरों में है, कि जो घरेलू जो निस्तारी का जो जल होता है वो ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए होने के बाद जाना चाहिए, तो उसमें निर्माण का काम चल रहा है, तो उसकी कितनी प्रगति हुई है और कब तक पूरा किया जाएगा उसके लिए बैठा। देश भर में बड़े ही धूमधाम से रविदास जयंती मनाई गई। रविदास जयंती को प्रकाश उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं निकाली जाती है, जिन्हें नगर कीर्तन भी कहा जाता है। आम आदमी के साथ साथ राजनीतिक पार्टी भी रविदास जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाती है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी, अनुसूचित मोर्चा ने भी एकात्म परिसर में संत रविदास की जयंती मनाई, जिसमें प्रदेश भर से भाजपा कार्यकर्ता रायपुर पहुंचे। कार्यक्रम में पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने संत रविदास के संघर्षों को याद किया। नवीन मार्कंडे ने कहा कि भारत देश में संत का स्थान सबसे अलग होता है। संत का अर्थ शांति और प्रेम होता है। उन्होंने कहा कि रविदास ने सदियों पहले समानता, सद्भावना और करुणा पर जो संदेश दिए, वे देशवासियों को युगों युगों तक प्रेरित करने वाले हैं।
ये भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा प्रत्येक प्रदेश भर के प्रत्येक जिलों में और मंडल केंद्रों में आज संत रविदास जी महाराज की जयंती मनाने का निर्देश किए थे। उस नाते से यहाँ हमारे जिलाध्यक्ष महादेव जी नायक के नेतृत्व में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यालय में आज संत रविदास जी महाराज के जयंती मना रहे हैं और उसी जयंती के इसमें कार्यक्रम में शामिल होने में यहाँ पहुँचा। प्रदेश में बढ़ते कोरोना महामारी के खतरे को भांपते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दो दिन पहले हाई पावर कमेटी की बैठक में शासन प्रशासन स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अब मास्क के लिए सख्ती बरती जाए और कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाया जाए, जिसके बाद प्रदेश के सभी सीमाओं पर 24 घंटे सख्त पहरा कर दिया गया है। वहीं सभी निर्देशों के पालन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिला कलेक्टर को आदेश भेज दिए थे। आपको बता दें कि रोजाना 250 से अधिक संक्रमित मरीज मिलने के कारण मास्क को अब अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही बिना मास्क पहनने सड़क पर निकलने वालों से 100 रुपए जुर्माना भी लिया जा रहा है। राजधानी के लगभग सभी चौक चौराहों पर नगर निगम का अमला और पुलिस बल बिना मास्क लगाए घूमने वालों पर कार्यवाही करते नजर भी आ रही है। निगम ने अपने कर्मचारियों के अलावा स्वयं सहायता समूह को भी निगरानी के लिए नियुक्त किया है, जो सड़क पर बिना मास्क आवाजाही करने वालों से 100 रुपए का चालान काट रहे हैं। साथ ही इनके द्वारा आम लोगों से मास्क अनिवार्य रूप से लगाने अपील की जा रही है, ताकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्य अनीता ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन के आदेशानुसार रोजाना सुबह और शाम मास्क कार्यवाही की जा रही है और सभी से मास्क लगाने अपील भी की जा रही है। हम सभी रायपुर वासियों को जागरूक करने के लिए मास्क लगाने की सलाह दे रहे हैं। अगर वो नहीं मानते हैं तो उसके ऊपर जुर्माना भी लगा रहे हैं, 100 रुपए जुर्माना है। सुरक्षित रहिए, खुद भी और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए, ये हमारा उद्देश्य है। हम लोग अभी तक के कम से कम 5-10 चालान काट लेते हैं एक दिन में, सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक रहते। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे इंडस्ट्रियल एरिया उल्ला के बजरंग चौक स्थित सर्जिकल कॉटन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हालांकि आग में किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है। जानकारी के अनुसार उल्ला इलाके के बजरंग चौक स्थित सर्जिकल कॉटन फैक्ट्री में ये हादसा हुआ। आग लगते ही वहां काम करने वाले कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। घटना के कारणों को मौजूद लोग समझ पाते इससे पहले ही आग की लपटें तेज होती चली गई। आनन फानन में पुलिस और दमकल को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल की 3 गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि इस फैक्ट्री में सर्जरी के लिए रुई बनाई जाती है। कर्मचारियों ने आशंका जताई है कि घटना शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई होगी। हालांकि आग की वजह से किसी जनहानि या घायल होने की सूचना नहीं मिली है। आग में लाखों का कॉटन जलकर खाक होने की बात कही जा रही है। अब चलते चलते नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह समारोह में शामिल हुए सीएम भूपेश, 3,229 जोड़ों की शादी से स्थापित हुआ प्रदेश का वर्ल्ड रिकॉर्ड। एकात्म परिसर में भाजपा किसान मोर्चा की हुई अहम बैठक, किसानों से जुड़े मुद्दे पर सरकार को घेरने की बनी रणनीति। नारायणपुर में अबूझमाड़ पीस ऑफ मैराथन 2021 का आयोजन, लगभग 12,000 धावकों को संघ IG और सांसद ने लगाई दौड़। प्राइम टाइम बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। अब मैं अपूर्वा सिंह आपसे लूंगी इजाजत। आगे के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ द न्यूज़।